नमस्कार, मैं हूँ राहुल तिवारी। नया साल आने को है, 2020 जाने को है और 21 आने की तैयारी में है। कुछ घंटे ही रह गए हैं जिसको अब युवा हो चाहे वो और लोग हों, वो मनाने के लिए क्लबों और बारों की ओर रुख करने वाले हैं। इसी को लेकर पंचकुला में किसी भी तरह का हादसा, किसी भी तरह से हुड़दंगबाजी ना हो पाए, उसको लेकर पंचकुला पुलिस की तरफ से बड़ी तैयारियां की गई हैं। आइए जानते हैं ACP राजकुमार से कि क्या कहते हैं वो। नए साल की पूर्व संध्या में मैं अपने ACP साहब और DCP साहब की तरफ से और हरियाणा पुलिस की तरफ से सारे पंचकुला वासियों को, भारत वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और हमने किसी भी तरह की पब्लिक न्यूसेंस ना हो और सभी लोग जो है इस त्यौहार को एक नए वर्ष के उपलक्ष्य में ठीक तरीके से इसको मनाएं, उसके लिए इंतज़ाम किए हैं। सुरक्षा इंतज़ाम हमारे 41 नाके 7 बजे से शुरू होके रात्रि देर रात तक रहेंगे। कुछ नाके हमारे सुबह 5 बजे तक रहेंगे। सभी जितने भी होटल्स हैं उनके ऊपर विशेष निगरानी रहेगी और उनसे हमारी रिक्वेस्ट है DC साहब की तरफ से भी, और DCP साहब ने एक धारा 144 का आदेश भी पारित किया है कि किसी भी होटल में जो उसकी कैपेसिटी है उससे आधी कैपेसिटी ही वो यूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर किसी होटल की कैपेसिटी 100 की है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाते हुए 50 के लोगों को ही एंटरटेन कर पाएंगे। जहाँ पे बंद स्थान है वहाँ पे 200 की लिमिट है और जहाँ पे खुला स्थान है वहाँ पे 500 की लिमिट है। हर थाना क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे भी होटल हैं, ढाबे हैं, जहाँ पे ठेके हैं वहाँ पे विशेष निगरानी रहेगी। जुआ सट्टा खेलने वालों के ऊपर जो है विशेष इस तरह की कोई गतिविधि है उसके ऊपर भी अंकुश रहेगा। और इसके अतिरिक्त एल्को सेंसर के नाके वो लगाए गए हैं और सभी से ये अपील है कि कोविड को देखते हुए और जिस तरह से ठंड बढ़ रही है इसको सुरक्षित तरीके से इस नव वर्ष का आगमन और उपलक्ष्य मनाएं। तो पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है। जी, धारा 144 से सर मेन है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें लोग और मास्क का उपयोग करें। इसकी अगर वायलेशन होती है या कोई आदमी 200 की लिमिट को वायलेट करता है, अगर वो अंदर बंद है जगह और 500 की जो लिमिटेशन है जो ओपन में है उसको अगर वायलेट करता है तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई होगी और इंडियन पेनल कोड की धारा 188 के तहत। सर, जिले में कुछ पर्यटन स्थल भी हैं जैसे अपना पिंजौर गार्डन है या मोरनी हिल्स का एरिया, तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? उसी तरह की सर, सारे सभी के ऊपर, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, सबके ऊपर एक ही नियम। एक आपने बताया कि 41 नाके हैं, उसमें कुछ बॉर्डर के भी हिस्से हैं जो शहर से बॉर्डर लगता हुआ है, तो क्या वहाँ पे 24 आवर का नहीं? मेन फोकस हमारा जो है वो साय से लेके और देर मध्य रात्रि के बाद जो है सुबह तक जो रहेगा। जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से पंचकुला में सख्ती बरती जाएगी, किस किस जगह नाके लगाए जाएंगे और किस कैसे कैसे, चाहे वो ड्रिंक ड्राइविंग के केस हो चाहे वो हुड़दंगबाजी हो, किस तरह से उन पर लगाम लगाने के लिए पंचकुला पुलिस की ओर से सख्ती बरती जाएगी, सारे का सारा जो ACP राजकुमार हैं उन्होंने आपको बताया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।